नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, प्रकृति ने जो एक पेड़ दिया है बेल, वो मनुष्यों और पशुओं के सेहत को बनाए रखने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में काम आता है। शिवजी को अर्पित किया जाने वाला बेलपत्र सिर्फ पूजा मात्र का ही एक साधन नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहद ही फायदेमंद है। पहले बेल खाने के फायदे के बारे में बात करेंगे। बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लोविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बेल का रस पीने के फायदे, दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायक है, गैस कब्ज की समस्या में राहत पहुंचाता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में मददगार है, दस्त और डायरिया की समस्या में भी फायदेमंद है, शरीर को ठंडक देने में भी काम आता है। कैंसर से बचाव के लिए बेल का शरबत पीना बहुत ही ज़रूरी है। खून साफ रखने में भी अब बेल के पत्र के पत्तियों के उपयोग से होने वाले फायदे के बारे में अब बात करेंगे। बुखार होने पर बेल की पत्तियों के काढ़े का सेवन लाभप्रद है। यदि मधुमक्खी अथवा ततैया हड्डा के काटने पर जलन होती है, ऐसे स्थिति में काटे गए स्थान पर बेल पत्र के रस लगाने से राहत मिलती है। हृदय रोगियों के लिए बेलपत्र का उपयोग बेहद फायदेमंद है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से हृदय मजबूत होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। श्वास रोगियों के लिए भी यह अमृत के समान है। इन पत्तियों का रस पीने से श्वास रोगियों में काफ़ी लाभ पहुंचता है। मनुष्यों और पशुओं दोनों को इसका इस्तेमाल अवश्य करनी चाहिए। शरीर में गर्मी बढ़ने पर या मुंह में गर्मी के कारण यदि छाले हो जाए तो बेलपत्र की पत्तियां पशु और मनुष्यों दोनों को मुंह में रखकर चबाने से छाले समाप्त हो जाते हैं। बवासीर आजकल मनुष्यों में आम बीमारी हो गई है। खूनी बवासीर तो बहुत ही तकलीफ देने वाला रोग है। बेल की जड़ का गुद्दा पीसकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम ठंडे पानी में साथ लें। यदि पीड़ा अधिक है तो दिन में 3 बार लें। इससे बवासीर में फौरन लाभ या बवासीर को ख़त्म करने में बहुत ही सहायक है। यदि किसी कारण से बेल की जड़ उपलब्ध ना हो सके तो कच्चे बेल का गुद्दा सौंफ और सौंठ मिलाकर इसका काढ़ा बना लें। इसका प्रयोग 1 सप्ताह तक करें, बवासीर ठीक हो जाएगा। बरसात में अक्सर सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या अधिक होती है। ऐसे में बेलपत्र के रस के शहद मिलाकर पीना फायदेमंद है। वही विषम ज्वर हो जाने पर इसके पेस्ट की गोलियां बनाकर गुड़ के साथ खाई जानी चाहिए। पेट या आंतों में कीड़ा होना या फिर बच्चों में दस्त लगने की समस्या हो, बेलपत्र का रस पिलाने से काफ़ी फायदा होता है। यह समस्या समाप्त हो जाती है। लू से बचाए, जब लोग तपती धूप और उसके साथ चलने वाले गर्म हवा बीमार कर देता है, तब बेलपत्र खाया जाता है या फिर इसका जूस पिया जाता है। पेट को दिलाए आराम। बेलपत्र पेट दर्द, गैस, कब्ज और डायरिया जैसी परेशानियों में भी राहत दिलाती है। अगर आपको ऐसी परेशानी है तो हफ्ते में 2 से 3 बेल पत्र ज़रूर खाएं। दोस्तों, बवासीर के बारे में हमने बात की थी। बवासीर में बेल पत्र इस परेशानी में भी राहत देने का काम करता है। बेल का गुद्दा खाएं या फिर जूस ज़रूर पिएं।
इससे दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लीवर में सूजन में फ़ायदेमंद होता है, यह लीवर को फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, यह एंटीऑक्सीडेंट होता है और एलर्जी को भी ख़त्म कर देता है। भूख भी बढ़ाता है, भूख कम हो, कब्ज हो, जी मिचलता है तो इसका गुद्दा पानी में मथ कर रख लें। इसमें चुटकी भर लौंग, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर कुछ दिन लेने से आपको भूख बढ़ने लगेगा और अच्छा खासा आपका जो है मन जो है मिचलाना जो है शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और बेलपत्र का उपयोग करें और बेल का। थैंक यू, धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म।